पे तो आसपास जंगली है, यहाँ पे हमें कौन से बाबा मिलेंगे पता नहीं, चलो देखते हैं। अब तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा, वही हमारे दोस्त को ठीक कर सकते हैं। ये तो कोई घर लगता है, हमें चल के देखना चाहिए, क्या मालूम कोई हो, पानी वानी पीने को मिलता है। चलो वो लोग आलिया के कहने पर यहाँ आ तो गए थे और उन्हें बाबा से मिल भी लिया था और बाबा ने उन्हें एक माला दी थी, जिस माला को मुट्ठी बंद करके रखना था और उसे ही मुझे पहनाना था जिससे मैं ठीक हो जाऊंगी। उस बाबा का कहना यही था। अच्छा हुआ आलिया ने हमें सब बता दिया था। अथर्व और लवि यहाँ आ तो गए थे लेकिन क्या वो माला मुझे पहना पाएंगे? लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अभी बहुत सारे राजों से पर्दा उठना बाकी है। और बाबा के वहाँ जाने के बाद जाते से ही लवी सारी स्टोरी उन्हें बता देती है। अब मैं उस मुट्ठी को तभी खोलूंगी जब मैं अपनी दोस्त को वो माला पहनाऊंगी। अब मेरे को लगता नहीं कि मैं वापस अपनी पिकनिक वाली जगह पे जा पाऊँ। अथर वैसे तुझे याद आ रहा है रास्ता? अथर लगता है वापस घर भाग गया, अपनी फ्रेंड को छोड़ के घर भाग गया। उसे तो मैं बाद में देखूंगी, अभी मुझे माही को बचाना है। लेकिन मैं सोच नहीं सकती अथर वैसे कर सकता है। पहले एक बार जाऊँ तो सही, सब सोचते तो मेरे अलावा कोई और भी नहीं है, किससे पूछूं कि वो पिकनिक वाली जगह कहाँ पर है? काफी अंधेरा है, मैं तो पूरे जंगल में फंस गई। अब पता नहीं मेरा क्या, ओहो मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है मैं कौन था, यहाँ पे तो कोई भी नहीं। मतलब यहाँ पे तो कोई ना कोई तो रहता ही होगा। यहाँ पे तो अगर बिल्डिंग थी यहाँ पे जंगल कैसे आ गया? मेरे साथ क्या हो रहा है ये? या फिर वो मेरा बहन? नहीं, मैंने अच्छे से देखा था वहाँ पे बिल्डिंग थी, लेकिन ये तो मैं तो इस जंगल में बीचों बीच फंस चुकी हूँ। माही, माही किधर गई? तुम कहाँ से? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वो आलिया वो बाबा के साथ मिली हुई है। बाबा के साथ आलिया मिली हुई है? वो आलिया जैसी भरी लड़की उसके साथ मिली हुई है वो बाबा के साथ? छोड़ो फिलहाल, तुम बहुत अंधेरा हो गया, तो कैंप के लिए कुछ लकड़ियाँ ले आओ। ठीक है, मैं काटती हूँ। माही, तुम यहाँ कैसे आई? एक सेकंड। मैं तुमको सारी बात समझा दूँगी। आप उस प्रिया के कब्जे में? मेरी बात एक सेकंड, मेरी बात पूरी सुनो। उसके बाद मैं लवी को सारी सच्चाई बताती हूँ, जो और मैं लवी की सारी गलत फहमियाँ दूर कर देती हूँ। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है स्टोरी में। ट्विस्ट है, देखिएगा ज़रूर। तब तक के लिए बाय।